तो छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को 2019 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। हालांकि इन चुनाव में नतीजे कुछ भी रहे, लेकिन अब फाइनल यानी कि लोकसभा के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आए नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। 1 मई में यहाँ पर मोदी सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है और लोकसभा चुनाव कई चरणों में होते हैं, तो छत्तीसगढ़ में अप्रैल में चुनाव होने की यहाँ पर संभावना है। पिछली बार भी यहाँ वोटिंग अप्रैल में ही हुई थी, इस लिहाज से अब 5 महीने से भी कम वक्त बचा है और पहले भी भाजपा बेहद संगठित और योजनाबद्ध ढंग से लगातार चुनावी तैयारी करती आई है। इस बार भी भाजपा के सांसदों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक सांसद अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा शुरू करेंगे। साथ ही 5 दिन गांव में बिताने की दिशा निर्देश भी आलाकमान की तरफ से स्थानीय सांसदों को जारी किए गए हैं। तो वहीं कार्यकर्ताओं को एकजुट रखकर लगातार फील्ड में सक्रिय रहने के लिए योजना भी बनाई गई है। साफ तौर पर जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इन चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसी के साथ अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट चुकी है। सांसदों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य योजना रहती है, कार्य समिति की जो बैठक होती है राष्ट्रीय कार्य समिति की, उसके बाद एक कार्य योजना आती है जिसको प्रदेश कार्य समिति के बाद हमारे जिला और मंडल स्तर पर कार्य योजना बनाई जाती है, उसको इस प्रकार से हम संपादित करते हैं, बूथ स्तर तक हम जाते हैं। और अब विधानसभा चुनाव चूंकि समाप्त हो चुका है, कुछ माह बाद लोकसभा चुनाव में हम जाने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर सांसदों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। उनके विशेष कार्य योजना दी गई है, उसके अनुसार में वो अपने कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात करेंगे और अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समय देंगे। मैंने कहा आपको कि वही बात की हमारी कार्य योजना आई है, उस कार्य योजना में सारी चीजें निहित है। पद यात्रा से लेकर गांव गांव तक जाने की बात आ रही है, कार्यकर्ताओं से संवाद करने की बात आ रही है, तमाम प्रकार की जो कार्य योजना मिली है उसके तहत में सारे सांसद हमारे क्षेत्र में जाएंगे, उनके साथ में जिला के पदाधिकारी। तो ये कांग्रेस छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी से भीतर घात करने वाले नेताओं को लोकसभा चुनाव की पहले बाहर का रास्ता दिखाएगी। जी हाँ, ताकि चुनाव के दौरान संभावित नुकसान से बचा जा सके। ये फैसला बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विधानसभा चुनाव के बाद की समीक्षा बैठक में लिया गया। इससे पहले बैठक में 65 से 70% प्रत्याशियों ने खुद को संभावित विजेता बताया। वहीं प्रत्याशियों ने चुनाव में भीतर घात करने वालों की सूची भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपी है। बैठक के बाद प्रत्याशियों ने करीब 2 घंटे तक प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के साथ 1-to-1 चर्चा करते हुए अपनी पूरी रिपोर्ट दी। प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में 3.5 घंटे चली मैराथन बैठक में नए प्रत्याशियों को मतगणना के दौरान किस प्रकार की सावधानी बरतनी है इसकी जानकारी दी गई। तो एक कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी और इन पर कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने पार्टी का आंतरिक मामला कहते हुए ऐसे लोगों की फिलहाल नाम बताने से इनकार कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी के मुताबिक चुनाव के दौरान पार्टी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर ऐसे लोगों से जवाब तलब किया जाएगा, इसके बाद कार्रवाई भी होगी। आपको बता दें कि रायपुर की 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर भी प्रत्याशियों ने भीतरघात की शिकायतें पार्टी आलाकमान से की हैं। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में वातावरण, जीत की ओर कांग्रेस का काफिला विधानसभा चुनाव 2018 में बढ़ रहा है। यदि किसी व्यक्ति ने कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया हो तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पार्टी विरोधी गतिविधियां करके बच पाना अब संभव नहीं है, लेकिन जनता का जो कांग्रेस के प्रति समर्थन, उसका वेग इतना था कि इस तरीके की तिनके पत्ते जैसी हरकतों का कोई प्रभाव। तो छत्तीसगढ़ में काउंटिंग होने से पहले ही भाजपा और कांग्रेस दोनों जीत के दावे करने में जुटी हुई है। कांग्रेस जहां जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है, तो भाजपा भी अपने दावों को अब भी दोहरा रही है, लेकिन स्पष्ट लगातार ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर तंज जरूर कसते दिखाई दे रही है। इस बार कांग्रेस ने फिर भाजपा पर तंज कसा और कहा कि 65 से चली भाजपा अब 51 पर आ गई है। अब आगे आगे देख के जाइए ये और कितना नीचे गिरेगी, क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
मतदान के बाद से ही कांग्रेस आत्मविश्वास से भरी दिखाई दे रही है और लगातार उसके आला नेताओं का दिल्ली दौरा चल रहा है। रायपुर में प्रत्याशियों की बैठक ली जा रही है तो मीडिया में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। ऐसा ही मौका कांग्रेस को तब मिला जब एक अखबार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक का लेख छपा, जिसमें धर्मपाल कौशिक के हवाले से खबर छपी थी कि भारतीय जनता पार्टी 51 सीटों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। अखबार का लेख छापना था कि कांग्रेसी हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि 65 से चली आई भाजपा 51 तक पहुंच गई, मतगणना तक न जाने कितनी नीचे गिरेगी। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में वातावरण, जीत की ओर कांग्रेस का काफिला विधानसभा चुनाव 2018 में बढ़ रहा है। यदि किसी व्यक्ति ने कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया हो तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पार्टी विरोधी गतिविधियां करके बच पाना अब संभव नहीं है, लेकिन जनता का जो कांग्रेस के प्रति समर्थन, उसका वेग इतना था कि इस तरीके की तिनके पत्ते जैसी हरकतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कौशिक के हवाले से खबर छपी और कांग्रेस ने निशाना साधा तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का ना तो कोई लक्ष्य था और ना ही कोई चेहरा, लेकिन हमने 65+ का लक्ष्य रखा था। हालांकि भाजपा ने ये बात जरूर स्वीकार की है कि लक्ष्य बड़ा है जो छोटा भी हो सकता है, लेकिन हमारा चुनाव जीतना जरूरी है और हम एक बार फिर चुनाव जीतकर सरकार बना रहे। देखिए, हमारा जो लक्ष्य था वो काफी बड़ा है, 65+ का, और लक्ष्य अगर बड़ा होता है तो उस पर समर्पण भाव से सारे कार्यकर्ता परिश्रम करते हैं। हमने लगभग सभी 90 विधानसभा में परिश्रम किया है एक कुशल नेतृत्व के साथ में। लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य कम ज्यादा हो सकता है, ये अलग विषय है। चुनाव हम जीत रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो 4 सीट और जिस प्रकार की बातें आ रही है वो दूसरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए जीत है। सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता पे है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार का जनादेश और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है तो सरकार हम बनाने जा रहे हैं। मतगणना 11 दिसंबर को है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जुबानी जंग अब भी जारी है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की गतिविधियां राजधानी में तेज हुई हैं उससे उनका आत्मविश्वास जरूर दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजीव भवन में चल रही इस हलचल को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। अब देखना होगा कि 11 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तब मुंगेरी लाल के हसीन सपने सच होंगे या भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार सत्ता में वापसी होगी। रायपुर से सतेंद्र सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद की समाप्ति के लिए जिस तरह मौजूदा सरकार ने 2022 तक डेडलाइन घोषित कर रखा था और इसे पूरा करने के लिए जिस तरह बस्तर में लगातार बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है प्रहार। अब तक इस ऑपरेशन को दक्षिण बस्तर के सुकमा व नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में लॉन्च किया गया। हालांकि इस ऑपरेशन में जवानों को सफलताएं भी मिली पर नुकसान भी उठाना पड़ा। पुलिस भी मानती है कि जिन इलाकों में इन तरह के ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है वो इलाके नक्सलियों के कोर जोन के रूप में जाने जाते हैं और यहां पहुंचना ही जवानों के लिए बड़ी चुनौती होती है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन प्रहार की चुनौती को समझने से पहले उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को समझना होगा। अब तो 2 बार से भी ज्यादा जिस कोर एरिया में जवानों को उतारा गया वो साकलेर के नाम से जाना जाता है। सुकमा जिले का ये क्षेत्र आज भी पूरी तरह माओवादियों के सबसे मजबूत टीम मिलिट्री दलम के कब्जे में है। हालांकि फोर्स ने इस क्षेत्र को चारों ओर से घेर रखा है, जिसमें दोरानापार से जगरगुंडा होते हुए पामेर तक सुरक्षा बलों के कैंप है, तो वहीं एलोबोर होते हुए कोंटा और किस्टाराम की तरफ से भी घेराबंदी करते हुए कैंप स्थापित किए गए हैं। पर चारों ओर कैंप से घिरा एक बहुत बड़ा विपरीत परिस्थितियों वाला भूखंड भी है, जहां नक्सली आज भी खुद को सुरक्षित मानते हैं। वो साकलेर और तोंडा मोरका का इलाका है जहां फोर्स ने प्रहार को अंजाम दिया। यहीं से नक्सलियों के खिलाफ बड़े स्तर पर मोर्चा खोलते हुए सुरक्षा बलों ने 22 जून 2017 को सुकमा जिले के तोड़ा मरका क्षेत्र में बड़ा ऑपरेशन एसटीएफ सीआरपीएफ पीआरजी और कोबरा के लगभग 1000 से अधिक जवानों को नक्सलियों को उनकी ही मात में घेरने के लिए उतारा गया था। इस मुठभेड़ में इंडियन एयरफोर्स की भी मदद ली गई थी। सुरक्षा बल के अधिकारियों ने नक्सलियों से हुई इस मुठभेड़ में 15 से 20 की संख्या में नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया था। वहीं एक एसटीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया था। वहीं बस्तर में नक्सलियों की राजधानी के रूप में पहचाने जाने वाले अबूझमाड़ में 7 नवंबर 2017 को 2000 की संख्या में जवानों को प्रहार 2 के तहत उतारा गया, जिसमें जवानों ने 2 दिनों में 8 नक्सलियों को मार गिराया।
जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल थी। वहीं घटनास्थल से मारी गई नक्सलियों के हथियार और अन्य विस्फोटक भी बरामद किए गए थे। 1 जून 2018 को सुकमा के साकलेर में बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। हालांकि इस मुठभेड़ में जवानों ने किसी नक्सली का शव बरामद नहीं किया, लेकिन नक्सलियों के बड़े ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक और दैनिक उपयोगी सामान बरामद किया गया था। 25 नवंबर 2018 को एक बार फिर नक्सलियों को उनकी हिमांत में घेरने की योजना बनाई गई, जिसे पुलिस के अधिकारी ने प्रहार का ही पार्ट 4 नाम दिया। ऑपरेशन फिर से उसी क्षेत्र में किया गया जिसे नक्सलियों के मिलिट्री बटालियन के प्रमुख माने जाने वाले हिडमा का इलाका माना जाता है। इस मुठभेड़ में भी जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की और 9 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें 2 8-8 लाख के इनामी नक्सली भी शामिल थे। साथ ही मौके से 11 हथियार, जिसमें 1 SLR ऑटोमेटिक राइफल भी शामिल है, बरामद किया गया। वहीं 2 जवान भी शहीद हो गए। नक्सलियों के मिलिट्री बटालियन को घेरने के लिए DRG, STF, CRPF और कोबरा की संयुक्त पार्टी को साकलेर के चारों ओर से घेरने के लिए उतारा गया था। सुकमा जिला जो कि नक्सली अति संवेदनशील और जहां पे बटालियन जो PLGA बटालियन जो नक्सलियों का एक ही बटालियन है, उसका जो स्ट्रांग होल्ड और उसका जो बेसिकली जहां पे छिपने का स्थान है, वो सुकमा जिले का जो बेसिकली कोंडा ये किस्टाराम के जो नॉर्थ वाला एरिया है और चिंता गुफा और चिंतन नार का जो वेस्ट एरिया है, जो टोंडा मार्का, बड़े केडवाल, छोटे केडवाल, साकलेर, सालातोम, ये सब जो क्षेत्र हैं जिसको बटालियन का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। और पिछले कई वर्षों से बटालियन ने ये मिथ बना के रखा है कि इस क्षेत्र में कोई भी पुलिस या सुरक्षा बल ऑपरेशन नहीं कर सकती है, परंतु पिछले 1.5 वर्षों में हमारे जो भी यहाँ पे पुलिस हैं और जो सुरक्षा बल, जो CRPF तैनात हैं, उनके द्वारा अथक परिश्रम करके इस मिथ को तोड़ने का हमने भरसक प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे। बस्तर में नक्सलियों के कोर जोन में चलाए जा रहे ऑपरेशन पर बस्तर IG विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि मयोवादी संगठन के एकमात्र मिलिट्री बटालियन के क्षेत्र में ऑपरेशन करना जवानों के लिए बड़ी चुनौती मानी जाती है। नक्सलियों के मिलिट्री बटालियन ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना रखी है कि यहाँ घुसने में काफी समस्या आती है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भी नक्सलियों के लिए अनुकूल होती है और जवानों के लिए दुर्गम। बावजूद इसके हम यहाँ घुसकर नक्सलियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। यहाँ पहुँचने के लिए जवानों को लगभग 50 किलोमीटर का कठिनाई भरा सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। रास्ते में नक्सली बड़ी संख्या में IED बम और स्पाइक हॉल जवानों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। नक्सलियों की सबसे मजबूत विंग इनके बटालियन को ही माना जाता है और यही वजह है कि इनके क्षेत्र में घुसने से पहले फोर्स को काफी संजीदगी से रणनीति बनानी होती है। यहाँ जब भी मुठभेड़ होता है तो छुप कर वार करने वाले नक्सली भी फोर्स से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ फोर्स के मुकाबले नक्सलियों का बैकअप ज्यादा जल्दी मिलता है। पिछले 1.5 वर्षों में हमने कई सफल ऑपरेशन इस क्षेत्र में, जो बटालियन का कोर एरिया या स्ट्रांग होल्ड एरिया कहलाता है, इसमें हमने कई सफल ऑपरेशन किए और इसमें कई सफलताएं भी अर्जित की है। और इसी क्रम में कल का जो ऑपरेशन था, जो साकलेर में, जहां पे 8 नक्सली और 1 नक्सली एलमागुंडा के पास मारा गया, तो कुल 9 नक्सली जो मारे गए, तो ये नक्सलियों का एक स्ट्रांग होल्ड एरिया है और बटालियन का कोर एरिया है। इस क्षेत्र में चूंकि जो भी नियरेस्ट कैंप है वो इस क्षेत्र से करीबन 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए जब भी ऑपरेशन में फोर्सेस जाती हैं तो एक प्लानिंग के तहत, एक स्ट्रेटजी के तहत, और अंदर जाने के लिए चूंकि एरिया काफी बड़ा है, टेरेन डिफिकल्ट है, बीच में कई सारे नदी और नाले पड़ते हैं, साथ साथ में घने जंगल हैं, इसलिए बड़ा एरिया होने के कारण इस क्षेत्र को घेरने के लिए तो अनेक जगहों से फोर्सेस निकलती हैं। वहीं इस पूरे मामले पर नक्सल और क्षेत्र के जानकार मनीष गुप्ता बताते हैं कि सुकमा जिले का ये इलाका भी नारायणपुर अबूझमाड की तरह अवैध बना हुआ है। इसका कुछ हिस्सा वीजापुर जिले में तो कुछ हिस्सा पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भी पड़ता है और यही वजह है कि यहाँ नक्सलियों के लिए पूर्णतः अनुकूल माहौल होता है। देखिए, सुकमा जिले का ये जो इलाका है, ये 2 जिलों की सीमाएं आपस में मिलती हैं और उसके चलते ये इलाका काफ़ी दुरूह माना जाता है। आमतौर पर इसका कुछ हिस्सा बीजापुर में आता है, कुछ हिस्सा सुकमा में आता है। कुल मिलाकर के ये लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है,
ये नक्सलियों के शरण स्थली बना हुआ है, नक्सलियों की पनाहगार बना हुआ है। ये इलाका इतना बड़ा है कि जवानों को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए 100 से भी किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है, वो भी तमाम खतरों को झेलते हुए। और यही वजह है कि नक्सलियों की तुलना में 4 गुना अधिक की संख्या में पहुंचने के बाद भी जवान माओवादियों को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। न्यूज डेस्क, टोटल न्यूज। तो इन दंतेवाड़ा में बीते दिनों 1200 सुरक्षा बलों की टीम और ऑपरेशन प्रहार 4 को मिली सफलता के बाद माओवादियों ने अपने महासचिव पद पर फेरबदल किया है। माओवादियों के सबसे बड़े संगठन सीपीआई ने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि सीपीआई संगठन ने नया महासचिव बनाया है। पिछले 25 सालों से यह पद पर कार्यरत मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति को खराब सेहत की वजह से अपनी जगह नंबाला केशव उर्फ बसव राजू को महासचिव बनाया गया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब माओवादी हमले बढ़ सकते हैं। पिछले साल भर से बसव राजू को महासचिव बनाने की अटकलें चल रही थी, तो वहीं दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो सफलता मिली है उससे माओवादी अब घबराए हुए हैं, लेकिन संगठन में इस तरह के बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माओवादियों के केंद्र कमेटी के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि यह बदलाव केंद्र कमेटी को और ताकत प्रदान करने वाला है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जनपेटा गांव के रहने वाले बसवराजू को महासचिव बनाने का फैसला सीपीआई माओवादी के केंद्र कमेटी की 5वीं बैठक में लिया गया। छत्तीसगढ़ में लगातार हम लोग डीवीसी लेवल के लोगों को मार रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि अपने ऑपरेशंस को और हम इंटेलिजेंस बेस बना के उनके धावा बोल सकें, उनके कोर एरियाज में अटैक कर सकें और निश्चित रूप से आने वाले समय में उनके एफएचसी और सीसी को भी टारगेट करेंगे। पिछले एक साल से इन्फॉर्मल सोर्सेज से ये खबर हमेशा इंटेलिजेंस एजेंसीज को आ रही थी कि बसव राजू को कमान दिए जाने की बात आ रही थी, लेकिन अभी 10 नवंबर की जो डेटेड विज्ञप्ति है उसमें क्लियर हो गया कि बसव राजू को सीपीआई माओवादी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। पिछले एक साल में जो लगातार जो नक्सलियों को नुकसान हो रहा है और पहली बार झुंड में नुकसान हो रहा है, 8-10 नक्सली मर रहे हैं, ऐसी 5 से 6 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने खुद विज्ञप्ति में माना है कि करीब 250 नक्सली इस साल उनके मरे हैं, जिसमें कि दंडकारण्य में केवल 170 नक्सली मरे हैं और सारे अच्छे क्वालिटी ऑफ नक्सल्स मरे हैं। क्योंकि बसवराजू सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के इंचार्ज रहे हैं और लगातार 16 साल से पोलिट ब्यूरो में रहा है, वो बाई प्रोफेशन इंजीनियर भी है और तेलुगु काडर है, तो निश्चित रूप से आईडीज पे उसका जो है इम्पैक्ट होगा। और 2018 में जो भी फोर्सेस को नुकसान हुई है, वो सुकमा में ब्लास्ट हुआ हो, बीजापुर में ब्लास्ट हुआ हो, यहाँ चोलनाड़ में, दंतेवाड़ा में ब्लास्ट हुआ हो, कांकेर में, सारे आईडी ब्लास्ट के द्वारा है, तो निश्चित रूप से आईडी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी, रिमोट कंट्रोल आईडी, इन सब से हमें सावधान रहना पड़ेगा। और दूसरी बात, क्योंकि पीएलजीए को मजबूत करने की उन्होंने बात की है कि नए युवकों को पीएलजीए में भर्ती करें, निश्चित रूप से एक आर्म स्ट्रगल जो है और तेजी से बढ़ेगा और निश्चित रूप से हमें सतर्क रहने की जरूरत है, एक तो आईडी से और दूसरा एम्बुश से, क्योंकि इसीलिए हमारी प्लानिंग है कि हम बड़ी संख्या में पार्टी निकालेंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन करके निकालेंगे, जिससे कि हमारी पार्टी भी 300-400 की पार्टी है। तो कोरिया जिला मुख्यालय के जिला चिकित्सालय में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से हुई नवजात की मौत के मामले में 2 महिला डॉक्टर और 1 स्टाफ नर्स के ऊपर सिटी कोतवाली ने मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने इनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में बीते 12 अक्टूबर को चिरमरी निवास से एक महिला प्रसव कराने आई थी। प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा महिला को प्रसव कक्ष में ले जाया गया, जिसके बाद महिला की जांच की गई और फिर उसे वहां लापरवाही पूर्वक अकेला छोड़ दिया गया। थोड़ी ही देर में महिला को प्रसव पीड़ा हुई और उसने एक स्वस्थ नवजात बालक को जन्म दिया, लेकिन उस समय उस कक्ष में ना ही वहां कोई डॉक्टर था और ना ही स्टाफ नर्स। 1.5 से 2 महीने पूर्व एक महिला यहाँ पे चिरमिरी निवासी महिला नसरीन खातून डिलीवरी हेतु जिला अस्पताल बैकुंठपुर आई थी और उस दौरान उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान एक बच्चा, नवजात बच्चा डस्टबिन में गिरकर उसकी मौत हुई थी। इस संबंध में उसने उसके परिवारजनों ने शिकायत की थी कि डॉक्टरों की लापरवाही से जो है बच्चा, नवजात शिशु की मौत हुई है। इस संबंध में कोतवाली में शिकायत प्राप्त होने पर जांच किया गया था, मर कायम किया गया और जांच किया गया। जांच में हमारे द्वारा डॉक्टर स्वाति वंशरिया और
डॉक्टर शिखा सोनी और एक स्टाफ नर्स है जिसका नाम सरस्वती पटेल, तीनों की लापरवाही पाई गई है। इस संबंध में विभागीय जांच भी मुख्य चिकित्सा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन जाते हैं अस्पताल आज की बड़ी खबरों पर।